पे फोन और मॉडल पे मॉडल निकाले जा रहे हैं रियलमी वाले। और आज हमारे पास है ये रियलमी का 8i जो कि 8 सीरीज का पांचवा फोन है। इससे पहले जो चौथा एडिशन था वो था 8s। मतलब रियलमी वालों ने ठान लिया है बिल्कुल फोन पे फोन निकाल के मार्केट भर देंगे, किसी और ब्रांड का नाम चलेगा ही नहीं। तो फटाफट से हम अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं हमें क्या कुछ देखने मिलता है इसमें बाकी मॉडल से अलग। फटाफट से देख लेते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले इसको साइड रखते हैं हम। दूसरे नंबर पे हमारा आता है फोन जो कि हाथ में लेते ही फर्स्ट इंप्रेशन में काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा है और काफी ज्यादा स्लिम भी है। तो इसको अभी हम साइड रखते हैं, इसको हटाते हैं। इसके नीचे हमें चार्जर देखने को मिलता है जो कि एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। और इसके अलावा हमें अंदर एक सी टाइप केबल देखने को मिलता है। इस बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है। और इसको आप अगर ओपन करोगे यहाँ पे सिलिकन का केस देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी क्वालिटी में आता है। और एक दो दिन से फोन यूज हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंक विंक लग गया है। और ये कुछ बुकलेट्स हैं। सारी चीजें साइड करके अगर हम बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की जो फोन की है, तो यार ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये ग्लॉसी से फिनिश में आता है। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और स्क्रैच बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। फटाफट से आपको फोन को ओवरव्यू दे देता हूँ। पीछे आपको फाइबर बैक देखने को मिलता है इसी ग्लॉसी फिनिश के साथ। स्टिकर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे तीन कैमरे का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है हमारा वो है 50 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है मैक्रो वो है 2 मेगापिक्सल, और जो तीसरा है वो है डेप्थ और वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। अगर साइड में आप देखो तो इस साइड क्लीन है। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। इसी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। आजकल सारे मिड रेंज फोन में साइड माउंटेड ही फिंगरप्रिंट आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको कोई भी सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए नहीं मिलता, पूरा क्लीन है ऊपर साइड। इस साइड आप देखो सिम इजेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सिम अपना लगा सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें माइक्रोफोन, यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे सी टाइप पोर्ट और यहाँ पे हमें हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। फटाफट से मैं सिम स्लॉट निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट देखने को मिलता है और डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन में हमारा फोन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे 6.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है आपको, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है आपकी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और जो इसकी ब्राइटनेस है वो 480 निट्स तक जा सकती है। तो ये काफी ज्यादा ब्राइट भी हो सकता है, तो आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसे आउटडोर कंडीशन में भी यूज करते हो तो। इसके अलावा हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पंचोल डिजाइन के साथ आता है। और उसके बगल में यहाँ पे है हमारा स्पीकर ग्रिल। हम एक नजर मार लेते हैं इस फोन के सेटिंग्स पे। यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे मोर में जाके आप यहाँ से अपने हिसाब से रिफ्रेश रेट भी सेट कर सकते हो डिस्प्ले का, 120, 60 और ये ऑटो सेलेक्ट पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और सबसे नीचे अगर हम अबाउट फोन में जाके देख ले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये रियलमी यूआई वर्जन जो 2.2 है उस पर काम कर रहा है। अभी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मॉडल यहाँ पे 8i दिया हुआ है। प्रोसेसर जो है यहाँ पे वो हीलियो G96 है। बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए भी इस फोन को चाहो तो आप रिकमेंड कर सकते हो और आप गेम वगैरह भी खेल सकते हो। इसमें दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे पास है ये है 4GB रैम और 64GB इंटरनल। इसके अलावा जो आता है वो है 6/128 और यहाँ पे सिम वगैरह का कुछ कुछ डिटेल दिया हुआ है। बायोमेट्रिक्स पे नजर मार लेते हैं इसके, तो आप देख सकते हो टैप करते ही ये फोन अनलॉक हो रहा है, तो काफी ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो फेस, अभी मैंने फोन इधर टर्न किया हुआ है और इसको मैं अपनी तरफ करता हूँ और ये ओपन हो गया, तो आप देख सकते हो फेस लॉक भी काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है इसका। मैं जल्दी से इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ, फोटो और वीडियो दोनों, और ऑडियो क्वालिटी भी माइक की, तो आप अपने हिसाब से जज कर लेना। और अभी जो ये हमारी वीडियो शूट हो रही है ये फ्रंट कैमरे से हो रही है। इसके पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ इसका। अभी फ्लिपकार्ट पे जो इसकी ऑफर प्राइस है वो है 11,400 रुपये अभी ऑफर में। वैसे ये 14,000 का मिलता है 4 और 64 वाला वेरिएंट, और 6 और 128 वाला जो है वो 16,000 रुपये के आसपास का आता है। तो अभी आप जाके फ्लिपकार्ट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चेक कर लो। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान से सुनना बिल्कुल, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कैमरा सैंपल और ये ऑडियो क्वालिटी इसी फ़ोन से लिए गए हैं। इस पर हाईएस्ट आप 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और ये 1080p पे ही हो रहा है। इससे नीचे आप अगर चाहो तो 720p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर मैं, आप देख सकते हो ये
ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूंगा मैं, और आप अपने हिसाब से देख लो। और ये डायनेमिक रेंज वगैरह ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, फोटोज भी जो मैंने अपलोड करी है वो भी आप देख सकते हो गौर से, और फोटोज वगैरह तो काफी अच्छी ले लेता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, तो अप टू द मार्क ही बोलूंगा मैं। अब यार ये इस प्राइस रेंज में आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे किसी भी फोन से। हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस फोन में बढ़िया है और क्या कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 13,000 रुपए के रेंज में ये फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसमें आपको फुल HD 6.6 इंच का IPS पैनल देखने को मिलता है 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। कैमरे की क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ 13,000 रुपए के हिसाब से। और उसके अलावा इसका जो डिजाइन है वो भी काफी यूनिक और अट्रैक्टिव है। और एक दो चीजें जो मुझे नहीं सही लगी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ऊपर की तरफ कोई भी नॉइस कैंसिलेशन का माइक नहीं दिया गया रियलमी की तरफ से, तो वीडियो की ऑडियो क्वालिटी मैंने डाल दी है इस फोन से, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज है कि 5000 mAh का बैटरी दिया गया है इसमें, तो आप अगर मीडियम भी यूज करो तो आप पूरे दिन आपकी आराम से बैटरी चलने वाली है। गेमर्स के लिए मैं ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप गेमिंग कर सकते हो इस पर उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं, तो आप इसके अलावा और भी कोई फोन देख सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए। अदरवाइज आपको डेली यूजेज में आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं मिलेगी। इस फोन में भी काफी बढ़िया फोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये 464 है, इसके अलावा 6128 आता है। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर लो, अभी जो सेल चल रहा है इसकी वजह से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बस तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया आपका, और अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, डाउट क्लियर कर दूंगा। और बस जाते जाते आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।